ये तो सब नौटंकी है वोट, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से आपको नहीं हटा सकता है। उसने कहा कि पद पे तो आप बने रहो, लेकिन आप दफ्तर नहीं जाओगे, आप फाइल नहीं साइन करोगे, आप अधिकारियों से बात नहीं करोगे, आप उन लोगों को डराओ धमकाओगे नहीं जो आपके यहाँ विटनेस है। इसका मतलब है उसने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। बेल आपको मिलेगी क्योंकि बेल एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में आपका अधिकार है। बेल का ये मतलब नहीं है कि आप दोष हैं या निर्दोष हैं। एक तरीके से कोर्ट ने कह दिया यू शुड ब्लडी वेल रिजाइन। थोड़ी सी शर्म तो इस इंसान में रही होगी कि इसने कहा अब हमारे कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए ये कोई सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना। केजरीवाल के साथ जब भी कुछ हुआ है तो एक होता है जो वो पब्लिकली कहता है और एक पर्दे के पीछे बीजेपी या उनके नेताओं से वो क्या बातचीत करता है। कि 10 केजरीवाल भी उतर जाएं फील्ड में तो फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली में अब एक नई बात राजनीति ने करवट ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि इस्तीफा दूंगा और जनता तब तक पद पर नहीं आऊंगा जब तक जनता मुझे नहीं चुनकर दोबारा भेज देती। इसको इस मूव को कैसे देखते हैं? कुछ नहीं साहब, ये तो सब नौटंकी है। देखिए पहली चीज, आपको इस्तीफा तब देना चाहिए था जब आप जेल गए थे। जेल आप सही कारण से गए गलत कारण से गए वो सब अलग बात होती है। बात ये है कि हमारे यहाँ नैतिकता में जब भी कोई आदमी ऐसे पद पर होता है कि उसको जेल भेजा जाए, वो इस्तीफा देता है, जेल से वापस लौट कर आ जाइए, आप अपने पद पे वापस आ जाइए। हेमंत सोरेन के साथ हुआ, लालू जी के साथ हुआ, उमा भारती जी के साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, तब तो आपने किया नहीं। और अब आप कह रहे हैं कि मैं अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर आप देखिए जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री को अपने पद से तो नहीं हटा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें कही, एक तो बेल थी और बेल का हम स्वागत करते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आदमी दोषी करार नहीं है कोर्ट में तो उसको बेल एक अधिकार के रूप में मिलनी चाहिए। अब वो मिली इनको, ठीक मिली। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट क्योंकि मुख्यमंत्री पद से आपको नहीं हटा सकता है, उसने कहा कि पद पर तो आप बने रहो लेकिन आप दफ्तर नहीं जाओगे, आप फाइल नहीं साइन करोगे, आप अधिकारियों से बात नहीं करोगे, आप उन लोगों को डराओ धमकाओगे नहीं जो आपके यहाँ विटनेस हैं। इसका मतलब है उसने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो, क्योंकि अगर आप फाइल नहीं देख रहे, अगर आप दफ्तर नहीं जा रहे तो आप काम अपना नहीं कर रहे, मतलब काम करने को आपको रोक लगा दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पे आपके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास कर रहे हैं। बेल आपको मिलेगी क्योंकि बेल एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में आपका अधिकार है। बेल का ये मतलब नहीं है कि आप दोष हैं या निर्दोष हैं, क्योंकि बलात्कारियों को भी बेल मिलती है, हत्या के आरोप में जो आरोपित होते हैं उन्हें भी मिलती है, बाद में आरोपित भी घोषित हो जाते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि बेल का कि कोई आप निरपराध हैं। तो एक तो ये कोर्ट ने ये कहा कि मैं आप पे भरोसा नहीं। देखिए वहीं हेमंत सोरेन को जब बेल मिलती है तो कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती है। इसका मतलब है कोर्ट को ये विश्वास था कि हेमंत सोरेन जी के खिलाफ जो केस है उसमें मूलतः कुछ नहीं है। इनके खिलाफ क्या कहा, आप फाइल नहीं छुएंगे, आप अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, आप दफ्तर नहीं जाएंगे, मतलब है आप मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं हो या मुख्यमंत्री का कोई भी काम नहीं करोगे। एक तरीके से कोर्ट ने कह दिया यू शुड ब्लडी वेल रिजाइन। सॉरी मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जान के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये शब्द का एक प्रभाव, ये कहा कोर्ट ने। उसके बावजूद थोड़ी सी शर्म तो इस इंसान में रही होगी कि इसने कहा अब हमारे कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए ये कोई सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना था, ये मेवा के लिए बना था। आप फाइल बिना साइन किए जनता में रह के भी सेवा कर सकते हैं, फाइलें तब चाहिए जब मेवा चाहिए। इसलिए मुझे मालूम था कि ये इस्तीफा देंगे और इस समय कुछ पॉलिटिकली इनको सूट भी करता है। राजनीति पे क्या असर देखते हैं दिल्ली की राजनीति पे? हालिया हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, प्रचार करने जाहिर तौर पर जो है किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हरियाणा में तो ये जाएंगे ही भाई, वो तो एक होता ना, किसी भी एग्रीमेंट में कुछ प्रत्यक्ष होता है कुछ अप्रत्यक्ष होता है। तो ये तो जो बिना लिखी हुई बेल की एग्रीमेंट है वो यही है कि आप पंजाब में हरियाणा में जाके कोशिश करेंगे कांग्रेस को हराने की। केजरीवाल के साथ जब भी कुछ हुआ है तो एक होता है जो वो पब्लिकली कहता है और एक पर्दे के पीछे बीजेपी या उनके नेताओं से वो क्या बातचीत करता है। मैं आपको बता दूं, आप माने या ना माने, अभी से कुछ समय पहले जब सिसोदिया को बेल मिली थी तो एक मेरे अच्छे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी में, मैंने जब उनको फ़ोन करके कहा तो उन्होंने कहा भैया हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं समझा करो। तो मैंने कहा केजरीवाल, कहने का भाई वो भी हरियाणा में उनकी ज़रूरत तो है, तो इस शब्द का क्या मतलब है, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा। और ये तो किसी भी आप राजनीतिक व्यक्ति से जान लो, वो सब जानते हैं कि इस समय आम आदमी पार्टी बीजेपी की हरियाणा में ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं, उनको ये लगता है वो अंतर आम आदमी पार्टी पूरी कर लेगी। लेकिन ये बेचारे ये चीज़ नहीं जानते हैं कि जिन सीटों पे हम जीत रहे हैं, और मेरे हिसाब से 65-70 पे तो इस समय हम बहुत आगे चल रहे हैं, इतना बड़ा अंतर है
कि 10 केजरीवाल भी उतर जाएं फील्ड में तो फर्क नहीं पड़ेगा। सर अगला मुख्यमंत्री जो है आपको लगता है कि कौन उनको उत्तराधिकारी, कई नाम चल रहे हैं उसमें, सौरभ भारद्वाज है, आतिशी है, गोपाल राय है, तमाम बात की जा रही है, उससे दिल्ली पे क्या असर? देखो पहली चीज ऐसा है, सामान्य रूप से जब सरकार में मुख्यमंत्री बदलते हैं एक किसी भी राजनीतिक दल में, तो एक राजनीतिक निर्णय लिया जाता है। राजनीतिक निर्णय इस हिसाब से लिया जाता है कि बाकी बड़े नेता कौन हैं पार्टी में, किसका लोगों में प्रभाव है, वोट पर क्या असर हो सकता है, जनता समुदाय में क्या असर हो सकता है, सरकार वो कैसे चलाएगी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है और बाकी, माफ़ करिएगा किसी को बुरा लगे ना लगे, बाकी सब घर के नौकर हैं, नौकर के अलावा कोई किसी की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो इन्हें अपने नौकरों में चुनना है, और मैं नौकर उस सम्मान के हिसाब से नहीं कह रहा, क्योंकि जो भी काम करता है उसका सम्मान होता है, ये उसको बिल्कुल एक दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये इसको मानेंगे कि भाई अब कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो फाइलें दबा के रखे, सूचनाएं बाहर ना जाने दे, जो हम लोग कमा रहे हैं, कमाई चल रही है उसको सतत चलाता रहे, क्योंकि ये सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये एक बिजनेस कंपनी के शेयर्स का हस्तांतरण है। आम आदमी पार्टी बिजनेस कंपनी है, पैसा बनाने की कंपनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पार्टी में आप सत्ता के चलाने का या प्रशासन के चलाने के अधिकार का हस्तांतरण करते हो, यहाँ शेयर्स का हस्तांतरण हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि शेयर्स नाम में तो मेरे रहें लेकिन रजिस्ट्री किसी और के नाम पर हो जाए। तो ये ऐसा व्यक्ति चुनेंगे जो भले रजिस्ट्री अपने नाम पर कर ले, लेकिन धन संपत्ति